एवरीवन एंड वन सेकंड टू माय चैनल। तो आज हम मॉडिफाई करना स्टार्ट करेंगे अपने दिस MT-15 द पैंथर द बीस्ट। जितना कहूँ उतना कम है इसके बारे में। मॉडिफिकेशन के लिए मैंने 7 चीजें मंगाए हैं एंड लास्ट के जो चीज है वो मेरा पर्सनल ओपिनियन, मैंने पर्सनली वो एड ऑन किया है। आप चाहे तो वो नहीं भी कर सकते हैं। सिनेमैटिक एंजॉय कीजिए एंड सारे प्रोडक्ट मैं आपको उसके बाद दिखाऊंगा एंड फिर मॉडिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए लेट्स गो। सो गाइस, दिस इज द प्रोडक्ट नंबर 7 और ये है एक नंबर प्लेट होल्डर। ये मेरा पर्सनल चॉइस है, इस कारण से मैं लगा रहा हूँ, आप नहीं भी लगा सकते क्योंकि यहाँ पे जो इसका स्टॉक नंबर प्लेट होल्डर है, मुझे इसमें कुछ और मॉडिफिकेशन करना है, इस कारण से मैंने इसको बाय किया एंड मैं इसको लगाऊंगा। एंड गाइस, दिस इज द प्रोडक्ट नंबर 6 द रेडिएटर ग्रिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है उन बाइकों के लिए जिसमें आपको लिक्विड कूलिंग का ऑप्शन मिलता है, उसमें ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है क्योंकि अगर आपका रेडिएटर थोड़ा सा भी डैमेज हो जाए तो मोटा खर्चा हो जाता है उसमें, कारण से ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। एंड प्रोडक्ट नंबर 5 है द एयर वेंट ग्रिल। एयर वेंट मतलब MT-15 में जो एयर ग्रिल है वो एयर डक्ट यहाँ पे है। अगर सामने कोई ट्रक वगैरह चल रहा है वहां से पत्थर उड़ के अगर यहाँ पे लग जाए फिर भी आपका एयर वेंट डैमेज हो सकता है, इस कारण से एयर वेंट ग्रिल। देन प्रोडक्ट नंबर 4 है दिस गियर टैपर्स फ्रॉम JB रेसिंग एंड ये दोनों आते हैं, वन फॉर द गियर लीवर एंड वन फॉर द ब्रेक लीवर, दोनों के लिए ये आते हैं। एंड दिस इज द विंडशील्ड, ये एक कॉस्मेटिक मॉडिफिकेशन है, ये कुछ वर्क नहीं करता है, बस लुक एनहांस करता है, इस कारण से मैंने इसको मंगाया। एंड दिस इज द विंगलेट फ्रॉम JB रेसिंग, ये बाइक को थोड़ा एरोडायनेमिक बनाते हैं एंड एज वेल एज थोड़ा लुक्स एनहांस करते हैं। एंड द लास्ट वन इज की केस फॉर माई MT-15 एंड मैंने ब्लैक कलर का मंगाया, आप दूसरे कलर का भी मंगा सकते हैं, ये भी मेरा पर्सनल चॉइस है, अगर आपका मन हो तो आप इसको लगा सकते हैं। एंड यही है कुछ प्रोडक्ट्स जो मैंने मंगाया है एंड लिंक सारा डिस्क्रिप्शन में रहेगा। तो चलिए अब मॉडिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो अगर आप अपने बाइक को खुद मॉडिफाई करते हैं तो आपको एक ऐसा कुछ एलएमटी का सेट अपने पास रखना होगा। एंड चलिए सबसे पहले हम विंडशील्ड से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो कोर बोल्ट है आपको वो अनस्क्रू करना है, देन वो कपलर टू कपलर फिट है, आप उसको बस यहाँ पे रख के फिर सारे स्क्रू स्टॉक स्क्रू जो है आप उसको फिर लगा दीजिएगा तो विंडशील्ड जो है वो लग जाएगा। तो गाइस, अभी हम इसका रेडिएटर गार्ड इंस्टॉल करेंगे। एक चीज आपको ध्यान रखना कि मार्केट में भी बहुत सारे रेडिएटर गार्ड्स हैं, तो जिस रेडिएटर गार्ड में एक क्लैंप यहाँ पे रहेगा साइड में और दूसरा क्लैंप नीचे ऐसा रहेगा, वही रेडिएटर गार्ड परचेज कीजिएगा, नहीं तो अदर कोई परचेज कीजिएगा तो वो MT-15 में ना वर्जन 1 में ना 2 में ना ये 3 में इंस्टॉल होगा। सो प्लीज ये वाला रेडिएटर गार्ड अगर आप बाय करिएगा तो ऐसा ही बाय करिएगा, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसको इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पे एक बोल्ट है, आप देख पा रहे होंगे इस जगह पे एक बोल्ट है, वो 11 नंबर के रेंज से खुल जाएगा। और गाइस, आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि जब आप रेडिएटर गार्ड को इंस्टॉल कर रहे हैं तो रेडिएटर में थोड़ा सा भी गंदा ना हो। मेरा बाइक तो अभी न्यू है तो रेडिएटर में अभी गंदा नहीं है, नहीं तो आप कोई भी माइक्रोफाइबर क्लॉथ नहीं तो छोटा कोई भी ब्रश लेके उसको साफ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम इंस्टॉल करेंगे JB रिंग प्रो टैपर जो गियर शिफ्टर में लगेगा। तो दो मेरे पास है तो मैं पहले ब्लू वाला यहाँ पे लगाऊंगा। अगर इसको लगाने के लिए आपको थोड़ा सा लुब्रिकेट करना होगा इसको, तो कोई भी आप ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं 2 या 3 ड्रॉप्स देके अंदर में, फिर आप इसको घुसा देंगे तो फ्रीली घुस जाएगा। एयर वेंट ग्रिल है उसको हम लगाएंगे, तो इसमें ये लगाना थोड़ा सा ट्रिकी है बट मैं पूरा प्रोसेस आपको दिखाऊंगा, सो बने रहो। तो यहाँ पे दोनों जो एलन की है आपको अनस्क्रू करना होगा और यहाँ पे इस पैनल को थोड़ा सा खींच के आप वो ग्रिल अंदर डाल सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा जो पैनल है आपको थोड़ा सा उठाना है एंड यहाँ से आपको जो ग्रिल है आपको डाल देना है। ये काम आपको थोड़ा आराम से करना होगा कि जो पैनल है वो डैमेज ना हो एंड यहाँ पे जो मेरा ग्रिल है वो अंदर घुस चुका है। सो गाइस, आप देख सकते हैं मैंने जो मेरा ग्रिल है एंड जो स्टॉक नेट था उसको अलाइन कर दिया अच्छे से एंड दोनों जो यहाँ पे बोल्ट्स के ओपनिंग है वो एकदम क्लियर विजिबल। तो अब मैं ये जो बोल्ट्स है इसको वापस से स्क्रू कर दूंगा एंड जो मेरा ग्रिल है वो कम्प्लीट होगा, एज वेल एज अदर साइड में भी आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है। सो गाइस, फाइनली मेरा दोनों एयर डक्ट का ग्रिल लग चुका है एंड आप देख सकते हैं जो लुक है वो ऑसम आ रहा है, एकदम कसम से एकदम हार्ड लुक। विंडशील्ड लग गया अपना रेडिएटर ग्रिल
लग गया, दोनों एयर डक्ट का ग्रिल लग गया। अब हम लगाएंगे जेबी रेसिंग का विंगलेट जो यहाँ पे लगेगा। अब इस लगाने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्क्रू है एंड अदर साइड सेम स्क्रू है आपको यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, दोनों स्क्रू को अनस्क्रू करना है एंड वो वाला विंगलेट लगा के फिर से स्क्रू जो है वो लगा देना है। सो गाइस आप देख सकते हैं हमारा जो विंगलेट है वो लग चुका है एंड मैंने दोनों स्क्रू को प्रॉपर टाइट कर दिया है एंड जो लुक है आप देख सकते हैं गाइस एकदम खतरनाक वाला डरावना लुक आ रहा है इससे। सो गाइस अब फाइनल हम लोग का लास्ट मॉडिफिकेशन जो है ये नंबर प्लेट होल्डर, ये मैं फ्रंट व्हील में लगाऊंगा एंड आप देख सकते हैं मड गार्ड में यहाँ पे दो स्क्रू है तो ऊपर वाला स्क्रू यहाँ का और इस साइड के ऊपर वाला स्क्रू मैं अनस्क्रू करूँगा एंड इसे फिट कर दूंगा। आपको पूरा सिनेमैटिक बहुत अच्छा लगा होगा एंड पूरा वीडियो आपने इंजॉय किया होगा। आप देख सकते हैं मैंने की का भी कवर लगा दिया है एंड की कितना फ्यूचरिस्टिक कितना मस्त लग रहा है देखो। सो गाइस मिलते हैं मॉडिफिकेशन के नेक्स्ट पार्ट में ऑफ दिस MT-15। होप सो आपको ये फर्स्ट पार्ट अच्छा लगा होगा। अगर आप एक MT ओन करते हैं और अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक करना, कमेंट करना और मैं और क्या अच्छा मॉडिफिकेशन ला सकता हूँ ऑन माई दिस MT-15 तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना एंड हर एक MT ओनर को ये वाला वीडियो सेंड करना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राइड सेफ, स्टे सेफ, टाटा।